जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की जबानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। बाजी कैसे हैं आप? ये बैग बुआ जी ने आपके लिए दी है। माजी अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो घर पर बाकी लोगों को हिम्मत कौन देगा? राधा लापता है, वो मां बनने वाली, ऐसी हालत में पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, मैं कैसे हौसला रखूं? राधा, राधा मेरे परिवार की ताकत, सबसे बड़ी ताकत। कुछ नहीं छिनेगा आपसे माजी, हमारी राधा हमें जरूर मिलेगी, हम सब मिलकर ढूंढेंगे राधा को, कुछ नहीं होगा राधा, राधा मिल जाएगी, जरूर मिलेगी राधा, सब ठीक हो जाएगा माजी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें याद है अजय, मुझे अपना दोस्त मानकर एक बार तुमने मेरे साथ अपनी परेशानी शेयर की थी, तब मैंने तुम्हें समझाया था कि शक को अपनी जिंदगी में जगह मत दो, कि गलतफहमी एक इंसान की बसी बसाई जिंदगी बर्बाद कर देती है। तुमने अपने दुखों की वजह मैं खुद हूं कुणाल, मैं नहीं जानता था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वहां मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन आज राधा के जाने के बाद उसकी हकीकत को पहचाना है मैंने। लेकिन कुणाल, राधा की सच्चाई जानने में मैंने बहुत देर कर दी, बहुत देर। अभी देर नहीं हुई अजय, अभी देर हुई नहीं,
अजय, जहां तक मैं राधा को जानता हूं, वो उनमें से नहीं है जो अपने आप को खत्म करती है, खास करके तब जब उसके साथ एक नन्ही सी जिंदगी जुड़ी हुई हो। मैं राधा को जानता हूं अजय, कुछ नहीं होगा राधा को, हम ढूंढेंगे राधा को, हम सब मिलकर राधा को ढूंढेंगे। भैया ने अभी तक फोन नहीं किया है और कुणाल ने भी कुछ नहीं बताया है। मैं काम करती हूँ, मैं ही फोन कर लेती हूँ। मैं रवि को फोन कर देती हूँ, तू घबरा मत, तेरी बुआ तेरे साथ, घबराने वाली कोई बात नहीं है तेरा। बुआ अब तो बस भगवान का भरोसा है, आई होप सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा तारा, भगवान हमारे भरोसे को टूटने नहीं देगा, वो हमारे दुआओं को कभी नहीं ठुकराएगा। हाँ मैंने राधा को बहुत दुख दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं है कुणाल। पूरी जिंदगी मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं राधा के प्यार को समझ ही नहीं पाया। ऐसे वक्त में अजय तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, नहीं, तुम्हारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। हाँ एक भूल जरूर हुई है तुमसे, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है, पुलिस कोशिश कर रही है और तुम्हें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें हर उस जगह पर जाकर राधा को ढूंढना चाहिए जिस जगह से राधा का किसी भी तरह का ताल्लुक रहा, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं से राधा का कोई ना कोई सुराग हमें जरूर मिलेगा। अजय हमें राधा जरूर मिलेगी, मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन राधा की तलाश की शुरुआत हमें अभी करनी चाहिए, अभी इसी वक्त। पूरी रात इस हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ी मुझे, कितनी नींद आ रही थी, और ये सब तकलीफें सिर्फ उस सासू माँ की वजह से झेलनी पड़ रही हैं मुझे। उन्हीं के कारण मुझे भी रवि के सामने भोलेपन का नाटक करना पड़ रहा है। शह, अपने प्यार को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा मुझे। ये तो रवि की क्वालिटी, रवि अपना फोन यहाँ पर भूल के गए। ओ, तो घर से फोन है। चलो दिव्यानी एक बार फिर से रेडी हो जाओ, अच्छी बहू का नाटक करने। हेलो दिव्यानी, रवि को फोन दो। अरे बुआ जी आप, वो क्या है ना, रवि यहाँ पर नहीं है, वो मम्मी जी के लिए दवाई लेने के लिए गया होगा। और आप मम्मी जी की चिंता बिल्कुल मत, उन्हें मैं
ऐसे हालात में अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं हूँ ना उनके साथ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बेगन, और वैसे भी हॉस्पिटल में परिवार के लोग मौजूद हैं। जब रवि आए तो उसे कहना कि मुझे फोन करे। क्या बुआ जी, आप मुझसे भी तो बात कर सकती है ना? मैं जानती हूँ बुआ जी, आपने मम्मी जी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए फोन किया होगा, लेकिन आप तो मुझसे बात ही करना नहीं चाहते। लेकिन खैर, मैं आपको बता देती हूँ, उनको होश आ गया है और वो ठीक है। क्या भाभी ठीक है? कल्याणी, ये तो खुशी की खबर है। अब जैसे रवि आए उसे कहना मुझे फोन करे। वाह, क्या हुआ मॉम, ठीक है? हाँ तारा, भाभी बिल्कुल ठीक है, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। बस टेंशन की बात यही है कि ये खबर हमें देवयानी ने दी है। जाने दीजिए ना बुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि मॉम को होश आ गया। चलिए हम अभी उनसे मिलने चलते हैं। अरे नहीं तारा, अब जब रवि का फोन आएगा ना तब हम चले जाएंगे। देखो तारा, इस वक्त अगर हम अपने आंसुओं को नहीं छुपा पाए तो, और इस वक्त भाभी को दुखों की नहीं सहारे की जरूरत है। बाबा अभी तो गए थे, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अजय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे घर आए हो। आओ अंदर आओ ना। तुम बैठो अजय, मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, तुम पहली बार मेरे घर आ रहे हो, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, बैठो बैठो, मैं भी आई। मुझे वाकई कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे मिलने आया। चलो अच्छा हुआ तुम्हें मेरी याद तो आई, वैसे राज काम के सिलसिले में जर्मनी गया हुआ है, अगर वो यहाँ होता ना तो तुमसे मिलकर बहुत खुश होता। पता है राज हमेशा कहता है कि जिस तरह से तुम दोनों अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे हो वो वाकई काबिले तारीफ है। कहता है कि जीवन साथी बनना आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। वैसे मेरी राधा बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला। काश काश ये सच होता। राधा तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? उसने तो मुझे फोन पर कहा था कि तुम दोनों साथ में मेरे घर आने वाले हो। लगता है राधा ने मुझे एक बार फिर बेवकूफ बना दिया। अब कौन सा नया बहाना बनाया उसने? वैसे अजय, राधा ने जब मुझसे फोन पर बात की थी तो थोड़ी परेशान लग रही थी वो। सब कुछ ठीक तो है ना? इसका मतलब राधा या नहीं है? संजना, क्या तुम जानती हो राधा कहाँ है? मैं कुछ समझी नहीं, कहाँ है का मतलब? राधा ठीक तो है ना अजय? अजय तुम चुप क्यों हो, जवाब दो ना, कहाँ है राधा? वो ठीक तो है ना? इसका मतलब मेरी ये कोशिश भी नाकाम रही। कोशिश का मतलब? अजय तुम प्लीज ठीक से बताओ ना कि क्या हुआ है, राधा ठीक तो है ना? बताओ ना अजय, कहाँ है राधा? संजना, राधा राधा घर छोड़कर जा चुकी है। संजना, I'm not afraid to die.
सोचा था शायद राधा यहां तुम्हारे यहां आई होगी या फिर तुमसे उसके बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन लेकिन वो तो यहां आई नहीं। मेरी एक भूल ने मेरा सब कुछ छीन लिया है संजना, सब कुछ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जय कि तुम जो राधा को इतना प्यार करते हो, उस पर इतना विश्वास करते हो, एक ही पल में तुम वो विश्वास, वो सारा प्यार एक ही क्षण में गवा बैठोगे, वो भी सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से, सिर्फ एक गलत फहमी। मैं तो क्या अजय, राधा भी कभी ये सोच नहीं सकती कि उसका पति उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा सकता है। तुम नहीं जानते हो अजय, लेकिन राधा की जिंदगी, उसकी दुनिया, सब कुछ और तुमने उसी पर। हाँ संजना, तुम सही कह रही हो, राधा ने तो मुझे अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। भूल तो मुझसे भी हो गई है अजय, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो अपने दोस्त का दुख नहीं पढ़ पाई, जब वो मुझसे बात कर रही थी तो मुझे लगा था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, उसे परेशान कर रही है, लेकिन मैंने तो अपनी तसल्ली के लिए उसे जानना भी चाहा था, लेकिन बस ये सोचकर रुक गई कि उसका इतना अच्छा परिवार है, इतना प्यार करने वाला, इतना साथ देने वाला पति है, बस ये सोचकर रुक गई मैं। मुझे क्या पता था कि मैं उसे आखिरी बार बात कर रही हूं, उसकी जिंदगी का आखिरी पल बांट रही हूं मैं, अपनी दोस्त की मदद नहीं कर पाई मैं, खो दिया मैंने राधा को, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, चली गई वो मुझे छोड़कर। नहीं संजना, नहीं प्लीज ऐसे मत कहो संजना, मैं जानता हूं राधा मुझसे नाराज है, लेकिन लेकिन जिंदगी भर का अकेलापन वो मेरे नसीब में नहीं लिख सकती, वो अपने अजय के पास लौटकर आएगी संजना, जरूर आएगी, जिसे अपनों का गम बर्दाश्त नहीं, मैंने उसी की जिंदगी में दुख लिख दिया, मुझसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान कौन हो सकता है संजना, जिसने अपने ही हाथों सब कुछ खत्म कर दिया। बदकिस्मत तो मैं हूं अजय, बदकिस्मत मैं हूं जो मैं अपने दोस्त का सहारा नहीं बन पाई, उसके आखिरी वक्त में उसकी मदद नहीं कर पाई, उसका दर्द नहीं समझ पाई। क्यों राधा, तुमने मुझसे भी तकलीफ क्यों नहीं बांटी, मुझे क्यों नहीं बता दिया सब कुछ, खो दिया मैंने अपनी राधा को, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया राधा।